मित्रों, ये एक नींबू के पेड़ पर ये चींटे हैं जो अंडे अपने अंडे ये आप देख सकते हैं, सफ़ेद रंग के ये अंडे हैं चींटों के, और ये अंडे अपने देने के बाद उन्हें से रहे हैं संभवतः, या उनको उनकी देखभाल करने के लिए आसपास मंडरा रहे हैं अंडों के। ये अंडे हैं, ये सफ़ेद जो आप ढीला देख रहे हैं ये अंडे हैं, यहाँ पे ये अंडे हैं चींटों के, और ये अंडे हैं, ये जो सफ़ेद आप ढीला इधर देख रहे हैं ये अंडे हैं, और ये चींटे आसपास मंडरा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। इधर भी इस पे पूरे पेड़ पर बहुत सारे चींटों ने अंडे दे रखे हैं, और उसके साथ साथ ये पत्तियों के पीछे जो ये काले काले आप देख रहे हैं ये संभवतः मक्खियों के या कुछ कीट कीट जो कीट इंसेक्ट्स हैं उनके कुछ अंडे ये संभवतः प्रतीत हो रहे हैं काले काले, ये भी कई जगह दे रखे हैं अंडे। और इस समय में जबकि अभी वर्षा किसी भी समय हो सकती है ये अक्टूबर मास में, तो ये भी एक विलक्षण चीज़ प्रतीत इसलिए होती है क्योंकि यदि वर्षा हुई किसी भी समय तो ये धुल सकता है, ये इनके अंडे नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने पूरे पेड़ पर ये अंडे दे रखे हैं। यहाँ पर भी आप देखें इस स्थान पर ये अंडों के पास ये चींटा है, इस पत्ती पर ये अपने अंडों के सफ़ेद रंग के जो ये अंडे आप देख रहे हैं ढीले, ये इसके अंडे हैं, और इसके पास ये चींटा है यहाँ पर। इसको अंडे अंडे की सुरक्षा करने के लिए या उनको सेने के लिए या उनका देखभाल करने के लिए ये चींटा लगातार यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा पत्ती को बिना इसे व्यवधान डाले हुए ये दिखाएंगे। ये देखिए ये चींटा और ये अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से इस पत्ती पर इधर इसी पेड़ पर इस पर यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ तीन चींटे इस पत्ती पर हैं जो इस इन अंडों के साथ हैं, और ये अंडे काफ़ी ताज़े से लग रहे हैं कि जल्दी ही अभी दिए गए हैं। ये जो चींटों के अंडे हैं ये देखिए तीन चींटे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और हमने बड़ी सावधानी से ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ये डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल भी इनको व्यवधान ना पड़े। दीज ब्लैक एंट्स विच आर फाउंड इन प्लेसेस इन होम्स इन ऑल ओवर इंडिया इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दीज हैव लेड डाउन देयर एग्स ऑन द लीव्स ऑफ दिस लेमन ट्री, दिस लेमन हर्ब, दिस लेमन श्रब, and these are spread all over this tree, this shrub, and basically on the leaves they have laid down their white eggs. You can see them taking care of their eggs, and this is why this unique scene, this unique picture I wish to capture in this video for you. Thank you.